हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके गुरुजी। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे जो पहले की वीडियो है वो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उन्हें जाकर देखिए, उसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हमने इसके संविधान के निर्माण की प्रक्रिया है उसके मूल ढांचे के बारे में, संविधान सभा के बारे में और कैबिनेट मिशन के बारे में, इनके बारे में डिटेल से बात की थी, तो आप जाकर उन वीडियो को पहले देखिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की क्या प्रक्रिया थी, कौन कौन से महत्वपूर्ण लोगों का उसमें हस्तक्षेप था, कौन उसके सभा के अध्यक्ष थे, कौन के प्रयासों से इस सभा का निर्माण हुआ और संचालन हुआ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है उसके लिए जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अंदर 207 सदस्यों ने भाग लिया था। उसके अलावा जो इस सदस्य के अस्थायी अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को स्थायी सदस्य के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष थे एस.एस. मुखर्जी की अध्यक्षता में इनकी द्वितीय बैठक हुई थी। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उपस्थित प्रस्तावना प्रस्ताव जवाहरलाल लाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत संविधान, जिसे भारत की आत्मा भी कहा गया है। दोस्तों, अगर उसके बाद हम देखें तो जो एक प्रारूप समिति बनी थी उसके अंदर सदस्य थे वो कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद साबदुल्ला, टी.बी.एल. मित्तल, डी.बी. खेतान, के.एम. मुंशी, गोपाला स्वामी अयंगर और मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णा कृष्णामचारी बने थे। तो दोस्तों, अगर हम संविधान निर्माण हेतु समितियों की बात करें तो जो इनकी समितियों का गठन किया गया था, तो एक जो पहली समिति है वो है संघ या संघ संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष थे जे.एल. नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है प्रांतीय या मूल अधिकार, उसके थे सरदार पटेल। कार्य संचालक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कार्य प्रक्रिया का कार्यभार जिनके ऊपर था वो है के.एम. मुंशी। झंडा समिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। परामर्शदाता के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। नियम के थे डॉक्टर प्रसाद और केंद्रीय अधिकारिता के अध्यक्ष जो थे वो है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, अगर हम जो प्रस्ताव आया था, जो संविधान सभा में उपस्थित जो प्रस्तावना प्रस्ताव था वो 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि संविधान प्रारूप समिति है वो 29 अगस्त 1947 को आई थी, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 7 सदस्यीय संस्था थी ये। प्रथम बैठक हुई थी 30 अगस्त 1947 को। 114 दिन की कार्रवाई के उपरांत 26 अक्टूबर 1948 को संविधान का प्रारूप सौंप दिया गया संविधान बनाने के लिए। तो संविधान सभा के कुल 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 को हुआ, जिसके प्रथम वाचक थे डॉक्टर राधाकृष्णन। और संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय जनता द्वारा अंगीकृत आत्मर्पित किया गया, जिसमें 284 सदस्य थे जो राज्यों के प्रतिनिधि थे। तो 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया। इससे पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। इस दिन भारतीय संविधान के कुछ उपबंध लागू किए गए, जिसमें इसमें 15 अनुच्छेद शामिल किए गए थे, जैसे नागरिकता है, अंतरिम संसद है, निर्वाचन है, संक्रमणकारी उपबंध आदि है। दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को राष्ट्रपति घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गणतंत्र शब्द का जो आशय होता है वो है भारत का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, जो वंशानुगत ना होकर निर्वाचित होता है। दोस्तों, गणतंत्र शब्द जो लिया गया है वो फ्रांस से लिया गया है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। दोस्तों, एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। जय हिंद, वंदे मातरम।